Welcome to our channel, students. As we were doing this topic, duties of Bailee. This topic we recently started in our last session, and those who have not just watched that one, on the top you see the link. Go and watch the previous session of duties of Bailee, where we discussed their three duties. Bailee ki jo duties hoti hain. And we are continuing this topic in this session, moving to the fourth type of duty. Bailee कौन होता है? All of you know, the person who receives the goods from the other person for some purpose, and after the purpose is accomplished or time पूरा हो जाता है, whatever the reason be, तो Bailee को वो सामान वापस करना है, return करना है to the bailer. ये duties होती हैं Bailee की, और यही person है जो bailment में आते हैं. Now let's further see what are his duties in this session. This is your topic from Unit 9 UGC NET. Here we have provided students our contact number. It's not contract, it's contact number and mail. So whosoever have any problem, any queries, any suggestions you have, aap hame mail kar sakte hain. Please share your views with us. We are getting already many messages, many mails. Thank you for showing your love and support. Keep following, keep sharing. So the very first duty is not to mix the goods. This is very important thing for a Bailee कि जब कोई आपको अपना सामान सौंप के जा रहा है तो please don't mix that goods with yours. उस सामान को अपने सामान के साथ मत मिलाइए, keep that separate. Bailee is not entitled to mix the goods bailed with his own goods. लेकिन अगर आपने मिला दिया है तो सिर्फ मिलाने के पीछे एक ही reason होना चाहिए, that you have done that with the consent of the bailer. Right? आपने bailer की consent से ये काम किया है. अगर बेलर की कंसेंट नहीं होगी, देन वी विल सी द कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं. सो द वेरी फर्स्ट इज कि इफ ही इज हेयर Bailee विद द कंसेंट ऑफ बेलर, मतलब आपने बेलर से उसकी परमिशन ले ली थी, उसकी हामी ले ली थी, एंड देन यू मिक्स द गुड्स बेल्ड विद योर ओन गुड्स, एंड बोथ द पार्टी शेल हैव एन इंटरेस्ट इन प्रपोर्शन. अब आपने देखो, सपोज करो कि जो आपके गुड्स था वो था 200 ग्राम, वट एवर द थिंग इज, और जो कौन है बेलर, बेलर का गुड था 500 ग्राम, तो आपने उससे कंसेंट ली कि मैं दोनों को मिक्स कर दूं, तो आपका बन गया 700 ग्राम. अब 700 ग्राम से जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा, उसको आपने इसी रेशो में शेयर करना है जिसमें आपका प्रोपोर्शनली क्या था, गुड्स की अमाउंट थी. तो वट एवर द प्रॉफिट विल बी, इट मस्ट बी शेयर इन 2:5. 2:5 में क्या होगा, 2 आपका होगा और 5 बेलर का होगा. सो वट एवर द प्रपोर्शन वॉज ओरिजिनली, देन यू हैव टू शेयर दैट इंटरेस्ट इन प्रपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स इन द मिक्सचर्स अकॉर्डिंगली. नेक्स्ट इज इफ द Bailee विदाउट द कंसेंट ऑफ द बेलर, पहले तो है देखो बेलर से अनुमति ली है, पर उसका परमिशन ली है, बट अभी क्या है, आपने उससे परमिशन नहीं ली, उससे नहीं पूछा, एंड यू मिक्स द गुड्स बेल्ड विद योर ओन गुड्स. आपने अपना जो सामान है बेलर के सामान के साथ मिला लिया, और अब क्या है, लेटर ऑन जो सामान आपने मिलाया है वो ऐसा है कि आप उसको टाइम आने पे सेपरेट भी कर सकते हो. इफ़ बेलर वांट्स कि नहीं मेरा सामान सेपरेट रखो, तो इफ़ गुड्स कैन बी सेपरेटेड और डिवाइडेड, तो आप प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स रिमेन्स इन द पार्टीज रिस्पेक्टिवली, जितना सामान था वो अलग अलग दिख जाएगा, लो ये मेरा था ये तुम्हारा था. Bailee is bound to bear the expenses of separation. जो भी उस सामान को सेपरेट करने का एक्सपेंसेस होगा, या फिर आपको जो भी खर्चा आया है वो सब आपको बियर करना है. कोई भी डैमेज हुआ, सामान खराब हो गया आपकी वजह से सेपरेट करने में, ऑल द एक्सपेंसेस देन यू हैव टू बियर. क्यों? क्योंकि आपने क्यों बिना पूछे उसका सामान अपने सामान के साथ मिक्स किया. ये तो था कि अगर गुड सेपरेट हो जाए, ठीक है ना, अलग अलग हो जाए, बट अगर ऐसा हो कि इफ़ द Bailee जो कि बेलर की कंसेंट लिए बिना, उसकी परमिशन लिए बिना गुड्स को मिक्स कर देता है, बेलर के गुड्स को अपने गुड्स के साथ, और वो गुड्स ऐसा है कि अब सेपरेट कर पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, जैसे चावल है, चीनी है, गेहूं है, ये आपने मिक्स कर दिया, हाउ कैन यू सेपरेट देम. सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू सेपरेट द गुड्स बेल्ड फ्रॉम द अदर गुड्स एंड टू डिलीवर देम बैक. तो इस केस में क्या होगा, बेलर जो है वो उससे सारा का सारा कंपनसेशन मांग सकता है जिससे उसका सामान सारा नष्ट हुआ है. You have to compensate the bailer fully for the loss of the goods that you have done for him. Understood? This is the very first duty, that not to mix the goods, and if you are doing, do it with the permission of bailer only. Otherwise, be responsible for whatever the consequences will be. Second duty is return and accretion from the goods.
एक्रीशन का मतलब क्या होता है कि जब गुड्स आपके पास आया, कोई भी चीज एक बेलर ने आपको दी फॉर एनी पर्पस, और उस गुड्स का क्या हो गया है, उस गुड से कुछ जनरेट हुआ है, उस गुड्स का कुछ बढ़ गया है पार्ट, राइट? देन आपने क्या करना है, वो पार्ट जो एड ऑन हुआ है, जो पार्ट उसमें एक्सीड हुआ है, उस पार्ट को अलोंग विद द मेन गुड आपको हैंड ओवर करना है, क्योंकि वो गुड आपने नहीं बनाया, वो उसी से जनरेट हुआ है. सो व्हाट इट हियर इट इज सेड दैट इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप लोगों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो बेली इज बाउंड टू डिलीवर टू द बेलर. आपकी ड्यूटी बनती है कि आपको बेलर को उसका सामान तो देना ही देना है. बट इफ देर इज एनी इंक्रीज और प्रॉफिट विच मे हैव accrued फ्रॉम द गुड्स बेल, देन यू हैव टू हैंड ओवर दैट ऑल्सो. ऑल राइट, डन. सो सपोज करो, यहाँ पर तो एक काओ का एग्जाम्पल है, मैं आपको एक देती हूँ. एक बेलर है, उसने क्या कर रखा है कि अपना एक रूम है वो किसको दे रखा है, बेली को, और बोल रखा है यार इसको ना तुम, मैं तो बाहर जा रहा हूँ, तुम इसको रेंट पे चढ़ाते रहना, जो भी रेंट आए वो मेरा भेज देना. अब बेली ने उसका ऐसा काम कर रहा है, उसका मकान रेंट पे चढ़ा दिया, जो भी रेंट आता है महीने का वो बेलर को देता जाता है उसके अकाउंट में. धीरे धीरे क्या हुआ, रेंट का रेट बढ़ गया. तो क्या बेली वही पुराना रेंट भेजता रहेगा? नहीं, जो भी वट एवर मार्केट में रेट चल रहा है, प्रॉफिट तो ये बेलर का ही है ना, तो उसको वो इंक्रीज रेंट बेलर को देना पड़ेगा. यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, सपोज ए जो है वो अपनी काओ जो है बी की कस्टडी में छोड़ जाता है फॉर सम पर्पज की, ये लो मेरी काओ को तुम रखो. बट लेटर ऑन क्या होता है, काओ गिव्स बर्थ टू अ काफ, ठीक है, गाय को उसका बच्चा पैदा होता है. बी इज नाउ बाउंड टू डिलीवर द काफ एज वेल एज काओ टू ए, यू हैव टू गिव बोथ द थिंग्स टू द ए. देन थर्ड ड्यूटी इज नॉट टू सेट अप एडवर्स टाइटल. अगर किसी पर्सन ने आपको अपना गुड दिया है, सौंपा है एक विश्वास के साथ, यू कैन नॉट सेट अप एन एडवर्स टाइटल. आप उसमें उस पर्सन के टाइटल से ऑपोजिट टाइटल खुद क्रिएट नहीं कर सकते. सो बेली मस्ट नॉट सेट अप अ टाइटल एडवर्स टू दैट ऑफ द बेलर. जो बेलर का वहां पर ऑनरशिप रहती है, आप उसके टाइटल के अगेंस्ट नहीं जा सकते. ही मस्ट होल्ड द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ एंड फॉर द बेलर. यू कैन नॉट डिनाई द टाइटल ऑफ द बेलर. क्या होता है कि सपोज करो ए है, ए बी को अपना मकान देके जा रहा है कि ये मेरा मकान है और तुम इसमें रेंट पे रहो. तो बी यहाँ पे कौन हुआ, टेनेंट, बट साथ में उसको उसके घर की रखवाली भी करनी है. और ए यहाँ पर कौन हुआ, द पर्सन हु हैव गिवन द दिस ऑनर, ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ऑनर और टेनेंट हो गए. अब बी क्या करता है, सी को ये हाउस रेंट पे देता है फर्दर. तो ये सी कौन हुआ, सब टेनेंट. सब टेनेंट तो ये सी है, बट इसको आइडिया नहीं आया था एक्चुअल ऑनर है, उसको लगा बी ऑनर है, और बी भी यही दिखाता है मैं ऑनर हूँ. तो यहाँ पर मतलब आप ए के टाइटल को डिनाई कर रहे हो और आपने अपना एडवर्स टाइटल क्रिएट कर लिया. यू कैन नॉट शो दैट यू आर द ओनर, शो टू सी दैट यू आर टेनेंट, एक्चुअल ऑनर इज ए. सो यू कैन नॉट सेट अप एन एडवर्स टाइटल. आई होप इस एग्जाम्पल के साथ आपको क्लियर हुआ है कि बेली की क्या ड्यूटीज रही हैं. With this session is over and this topic is also over of duties of Bailey. In next session, I'll come with another important topic related to this bailment. Till then, keep waiting, keep watching. If you got any questions, if you have any confusion, any doubts, aap hume reach out kar sakte hain, contact kar sakte hain. This is our number, mail address, telegram. Wherever you find it easy, just put your doubts, put your questions. Even in the comment box, you can do so. I will be there to respond you as soon as it is possible. So don't forget to subscribe. Meet you soon. Thank you.